लास्ट वीक में मेरे पास समवेयर अराउंड 15 to 20 कॉल्स आई, और जिसमें लर्नर्स की यही प्रॉब्लम थी कि मैम मुझे राइटिंग में बैंड 6 चाहिए, पर मैं 3 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ, मैं 4 अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, या मैंने 2 अटेम्प्ट्स दे दिए पर हर बार मेरा राइटिंग में ही स्कोर कम आता है। एक्चुअली लर्नर्स आर एबल टू स्कोर वेल इन ऑल द अदर मॉड्यूल्स। लिसनिंग में किसी के 7 थे तो किसी के 6.5, स्पीकिंग में किसी के 6 थे तो किसी के 6.5 थे, ऐसे ही रीडिंग में 6.5 लर्नर्स के आ रहे थे, बट जब हम राइटिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो लर्नर्स के खाली 5 या 5.5 बैंड ही आ रहे थे। तो क्या ये आपकी भी प्रॉब्लम है? इफ दैट्स अ यस, वॉच दिस वीडियो। सो गाइज, ये जो वीडियो है ये खाली बिगिनर्स के लिए है। ये वीडियो डेफिनेटली उन लर्नर्स के लिए नहीं बनाई जा रही है जिन्हें बैंड 7 या बैंड 8 चाहिए राइटिंग में। सो ये है खाली उनके लिए जो बाकी तीनों मॉड्यूल्स में एक्सेल कर रहे हैं, बस राइटिंग में स्टक है और राइटिंग में उन्हें बैंड 6 चाहिए। क्योंकि देखो, समझो एक चीज को, जब हमें राइटिंग में बैंड 7 या बैंड 8 चाहिए तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग है, उसका मेथड अलग है। अगर मैं बैंड 7 बैंड 8 वाली चीजें आपको पढ़ाऊंगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आपको पहले बैंड 6 और 6.5 पे आने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो है कि बैंड 6 के लिए चाहिए क्या। एक्चुअली में एग्जामिनर क्या देखना चाहते हैं बैंड 6 के लेवल पे। तो बैंड 6 के लेवल के लिए एग्जामिनर को सबसे पहले चाहिए टास्क रिस्पॉन्स। और जिन्हें नहीं पता टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है, वो बड़े ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, है ना, एक प्रॉब्लम उन्होंने बता दी, ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, और वो पूछ रहे हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचना है कि मैंने क्या लिखना है। बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉजेस लिखो, बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशन लिखो। बट आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है टास्क रिस्पॉन्स के लिए? आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, इधर 4 or 5, नॉट मोर देन दीज। नाउ इसके अलावा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, आइडियाज की प्लानिंग पहले ही करके रखनी है कि बॉडी पैराग्राफ में अगर ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज पूछे हैं तो क्या कॉजेज हैं। आप सबको ऑलरेडी पता है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सो डिफॉरेस्टेशन एक कॉज हुआ ना, सो वो लिखो कि मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ में एक ये कॉज लिखना है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और इसके अलावा लिखना है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। सो आइडियाज बहुत जरूरी है। देखो जिसे भी बैंड 6 चाहिए ना और बैंड 5.5 या 5 पे स्टक है, सो आप ये चीज समझ लो कि आपके आइडियाज ओके होने चाहिए। ग्रामर में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होगी चलेगा, बट आइडियाज ओके होने चाहिए। आप अगर सोचते हो कि मैम मैं तो बैंड्स ब्रू पूरा यूज करके आई आपका, पर फिर भी मेरा स्कोर नहीं आया, बैंड्स ब्रू कुछ नहीं कर पाएगा अगर टास्क रिस्पॉन्स ही वीक है, तो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है? टास्क रिस्पॉन्स पे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको बैंड 6 चाहिए तो बैंड्स ब्रू नहीं चाहिए हमें, बैंड 6 के लिए कुछ और यूज करना है, और वो क्या है इस वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि आपको काफी चीजों पे क्लैरिटी मिलेंगी। अभी तक भी बैंड 6 नहीं आ रहे ना, तो ये आपके लिए ही वीडियो है। ये वीडियो 10 मिनट की देख के हो सकता है आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, इतना तो फॉर श्योर है कि बैंड 6 आ ही जाएंगे अगर आप ध्यान से देख लोगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे। अलग अलग क्वेश्चंस ले लो कैम्ब्रिज बुक में से और उसमें सबसे पहले फोकस करो कि आपका टास्क रिस्पॉन्स ठीक होना चाहिए। टास्क रिस्पॉन्स होता है आंसरिंग एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन में डिमांड है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तो वो लिखो, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टू व्हाट एक्सटेंट, तो पार्शियली एग्री करो या पार्शियली डिसएग्री करो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और प्लानिंग जरूर करो, देन ओनली यू कैन स्कोर वेल। अब जब आप आइडियाज की प्लानिंग कर चुके हो, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स का ध्यान दे चुके हो, क्वेश्चन को भी दो बार जरूर पढ़ लेना, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज का ध्यान देना,
डू नॉट कॉपी एनी वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ हुआ है वही सेम वर्ड कॉपी नहीं करना. सो ये हमने ध्यान रखना है. डू नॉट कॉपी सेम वर्ड, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन. ये तो हो गया टास्क रिस्पॉन्स का. एक एडिशनल थिंग थी जो मैंने आपको इसी पार्ट में बताई. अब इसके अलावा बैंड सिक्स के लिए और क्या चाहिए? यार बहुत जरूरी चीज है जो आप सब लोग बहुत बार लैक करते हो और वो है कोहरेंस. कोहरेंस. सो कोहरेंस होती क्या है? आइडियाज तो आपके पास है प्रॉपरली, बट उन्हें रिलेट कर पाना है ना, उसको एक आइडिया को दूसरे आइडिया से प्रॉपरली कनेक्ट करना, वो होती है कोहरेंस. मतलब आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करना. आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि बॉडी पैराग्राफ वन में मैं डिफॉरेस्टेशन और एयर पॉल्यूशन की बात करूंगी. बॉडी पैराग्राफ टू में मैं बात करूंगी कि थोड़े ट्रीज और प्लांट हो, नंबर ऑफ हाउसेस कम बिल्ट होने चाहिए, वन हाउस पर फैमिली होना चाहिए, वन हाउस पर न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए. जो आपको सॉल्यूशंस लगते हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग करके रख रहे हो, बट उन्हीं आइडियाज को प्रॉपरली फ्रेम करो. और क्या आपको पता है कि ये चीज जो मैं अभी बता रही हूँ इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ. आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी लेके आऊं. उस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो मुझे भी कैम्ब्रिज के एग्जामिनर से ही पता चला जब मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही थी लास्ट टू लास्ट वीक. सो बहुत ही अच्छी चीज है जिसमें उन्होंने एसे का ब्रेकअप करा हुआ है और उस चीज के मेथड से उन्होंने बताया है कि आंसर को कैसे कोहरेंटली लिखना है. जिन्हें भी समझ नहीं आता कि लॉजिकली कैसे लिखना है उनके लिए वो सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा. सो इफ यू वांट मी टू शूट दैट वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. कोहरेंस मतलब लॉजिकली कनेक्ट करो आइडियाज को एंड टास्क रिस्पॉन्स में पैराग्राफ्स और सब्जेक्ट का ध्यान दो. ये तो हमने ध्यान देना है बैंड सिक्स के लिए. ठीक है. अब आपको समझ आ गया कि मैम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेना है और आइडियाज प्रॉपर होने चाहिए और आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करना है. अब जब आइडियाज को कनेक्ट करना है तो हमें चाहिए कनेक्टर्स. और कनेक्टर्स क्या है? हमारे फैन बॉयज. देखो हमें खाली बैंड सिक्स चाहिए, तो जब हमें बैंड सिक्स ही चाहिए तो हमें क्यों यूज करने हैं डिफिकल्ट वाले कनेक्टर्स? वो भी हम यूज करेंगे बट कम यूज करेंगे. विल बी यूजिंग फैन बॉयज जो कि हमारे कंपाउंड सेंटेंस के लिए यूज होता है. मैं अभी बताती हूं कैसे. देखो फैन बॉयज होता क्या है? फैन बॉयज होता है जिसमें हम यूज करते हैं फॉर एंड नॉर बट और येट सो. अब देखो आपके पास आइडिया है बट आपको लेंथी सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करने आते. और बोल भी कौन रहा है यार, क्यों हमने करना है वो चीज जो बैंड एट के लिए चाहिए? हमें बैंड सिक्स ही चाहिए तो हम सिक्स वाला ही लेवल करेंगे यार. ये समझो इस चीज को. आप लोग वो वीडियोस देख रहे हो जो बैंड सेवन और बैंड एट लर्नर्स के लिए बनी हुई है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा. हर एक बच्चे का लेवल अलग है. जिसके ऑलरेडी रीडिंग में बैंड एट आ रहे हैं अगर उसे हम बोले कि बैंड सिक्स के लिए ये करें, वो वीडियो देखेगा? नहीं देखेगा. तो स्मार्ट लर्नर बनो और वो चीज देखो जो आपको जरूरी है. हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने आते हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की बात करें. सो हम इस तरीके से कर सकते हैं. द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दिस इज, ठीक है, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना. द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज डिफॉरेस्टेशन एंड पीपल शुड, ठीक है. आगे आप जो लिखना चाहते हो एंड लगा के लिखो. द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज डिफॉरेस्टेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस. अब हो क्या रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से? बिकॉज ऑफ दिस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज डिक्रीजिंग. आपने एक्सप्लेन कर दिया पर कैसे? खाली एंड ही तो यूज करा है. और बाद में क्या यूज करा है? एक सिंपल सा ये अपना हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस इज इंक्रीजिंग. इस तरीके से यूज करो. हर एक कनेक्टर की जरूरत नहीं. आप इजिली एंड यूज कर सकते हो, बट यूज कर सकते हो,
और यूज कर सकते हो, 100 यूज कर सकते हो एंड आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप सोच रहे हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ड्स कॉपी मत करो क्वेश्चन में से, पर वही वर्ड्स लिखो जिसके लिए आप 100% श्योर हो, ठीक है। अगर आपको सिनोनिम नहीं पता चल रहा किसी वर्ड का, तो गलत वर्ड लिखने से बेटर है ना लिखो। और वैसे भी बैंड 6 चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत एडवांस वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। बट लास्ट थिंग कि इसके अलावा हम और क्या यूज करें। मैम देखो, ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड यूज सम कनेक्टर्स एज वेल, क्योंकि अगर बैंड 6 भी चाहिए तो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए होंगे, जैसे कि ऑल्दो यूज कर सकते हो और इजिली ऑल्दो को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कंक्लूजन में। सो सिंगल वन सेंटेंस कंक्लूजन लिख दो और कंक्लूजन में क्या यूज करो, ऑल्दो, ठीक है। मैं मार्कर चेंज करती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू राइट और सी प्रॉपरली, ठीक है। ऑल्दो यूज करो कंक्लूजन में, सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इंट्रोडक्शन में यूज करो हाउएवर, जब दो व्यूज बता रहे हो बीच में हाउएवर यूज कर दो, हाउएवर से पहले कॉमा, हाउएवर के बाद सेमीकोलन, ठीक है, ये आपने यूज कर लिया। इसके बाद जब भी किसी आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां यूज कर दो नॉट ओनली बट ऑल्सो। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट ओनली डिक्लाइनिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। आप जो बताना चाह रहे हो वो लिखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इजिली बॉडी पैराग्राफ में यूज कर सकते हो, ठीक है। हाउ एवर यूज कर दिया, ऑल्दो यूज कर दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर दिया। अब जब आप सोल्यूशन वाला पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप इजिली रादर देन यूज कर सकते हो, रादर देन प्लांटिंग मोर ट्रीज individuals should be given right to own only one house. So there should be a rule to have one house per nuclear family. This will definitely rectify the problem of global warming. So देखो क्या use करा मैंने, rather than use करके बता दिया कि ये करने की जगह ये कर लो, rather than this do that and end में so use करके so this will. So, ये चार भी अगर कनेक्टर्स आप यूज कर लेते हो ना कॉम्प्लेक्स के लिए तो मोर देन इनफ है। दीज फोर कनेक्टर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वाले और फैन बॉयज यूज करो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको बैंड 6 राइटिंग के लिए। क्यों आपने देखना है डिस्पाइट दिस कैसे यूज होना है, क्यों आप चाहते हो कि मेरे को हर एक कनेक्टर की यूजेज पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए। सो बैंड 6 चाहिए तो बस इतना करो और कुछ नहीं करना हमने राइटिंग पे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्रक्स दे देती हूँ मैं जल्दी से, बैंड 6 के लिए क्या चाहिए। बैंड 6 के लिए हमें चाहिए कि हमारे आइडियाज प्रॉपर हो, बैंड 6 के लिए चाहिए कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बैंड 6 के लिए बैंड्स ब्रू तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए, ऑल्दो, हाउएवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रादर देन, एंड बैंड 6 के लिए और क्या चाहिए, फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो फैन बॉयज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें बैंड 6 के लिए चाहिए कि सेम वर्ड क्वेश्चन में से कॉपी नहीं करना। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इफ यू वांट मी टू शूट अ वीडियो लाइक दिस ऑन लैपटॉप जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी बॉडी पैराग्राफ को बैंड 6 वाले लेवल के लिए कैसे लिखना है, वो एक चीज, एक ऐसी वीडियो बनेगी जिसमें हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएंगी, और वो वीडियो देखने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके बैंड 6 आ जाएंगे राइटिंग मॉड्यूल में, दैट्स फॉर श्योर। So thank you so much for joining me today. I'll see you in the next video.